तो क्या बोलती मेरी पब्लिक, दिस इज टोटल द लेजेंड। तो भाई आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, भयंकर टॉक्स विथ टोटो। किधर? हाँ, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, भयंकर टॉक्स विद टोटो, जिसमें मुंह लटका के मेरा साथ देगा जैस। हाँ ठीक है भाई, अब चलना। देखा देखा, बोला ऐसा रहा जैसे कि एहसान कर रहा है मेरे चैनल के ऊपर आके। मैंने ऐसा नहीं बोला है। लेकिन तेरे एक्सपेंशन आप समझ गए ना, तेरे वैसे ही थे। तू धंधे में ध्यान देना, बाकी बातें मैं तेरे चैनल के ऊपर आके ऐसा करता हूँ यार। अरे हाँ, चलना शुरू करना भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तेरे से पहले क्लियर कर रहा हूँ, बैठना है तो दिल से बैठ भाई, नहीं तो पहली फुर्सत में निकल तू। ठीक है फिर, मैं थैंक यू। तेरे चैनल की कसम, अगर वहां से इतना भी इधर उधर हुआ ना तो। और एक बात, मेरी दी हुई कसमें कभी फेल नहीं जाती ना, नेवर। लोग ब्रेकअप्स के बाद अपनी जीएफ बीएफ को कसमें दिलाने के लिए मेरे पास आते हैं। बहुत लोगों के सेटिंग टूटते टूटते बचे हैं मेरी वजह से। ठीक है, अब शुरू कर। तो आज का पहला मुद्दा है ट्विटर का लोगो। हाँ, वो चेंज होने वाला है, हो गया पता नहीं, मतलब कुछ है। क्या कहना इसके ऊपर? क्या लोगो कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा। अब सबको उनकी एक्स की याद आएगी बार बार, एक्स। अभी ये कोई लोगो हुआ? एबीसीडी के अंदर भी आखिर में आता है भाई। पूरी दुनिया कहती है कि एक्स को भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ, और इनका अलग ही है, हीरोइन बना दिया एक्स को। एक्स के चक्कर में प्यार इसी चिड़िया को फायर कर दिया यार। ज्यादातर लोगों को नहीं अच्छा लगा ये चेंज। इसको अच्छी लगती है एक्स? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। कभी कभी कुछ लोगों को एक्स भी अच्छी लगती है, डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में कौन। मेरा ये भी मतलब नहीं था कहने का। रिप ट्विटर। अभी आप प्रार्थना करो कि वो चिड़िया की आत्मा को शांति मिले, और वो पक्षी राज प्रकट ना हो जाए, नहीं तो इलॉन भाई की हालत ऐसी हो जाएगी। तो ये ट्विटर के लोगों के बारे में आपका, ट्विटर के लोगों के, ट्विटर जो यूज करते हैं उन लोगों के बारे में नहीं पूछ। अरे यार, इतना कंफ्यूज कर दिया ना इलॉन भाई ने। ट्विटर का जो लोगो आया नया, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट मार के बताना। अपना नेक्स्ट मुद्दा है प्रोजेक्ट के। सब लोग बोल रहे हैं कि ड्यून की कॉपी है, ड्यून की कॉपी है, सुना होगा आपने भी। तो क्या कहता है भाई इसके ऊपर? सब नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या क्यों, उनकी मर्जी भाई। अबे यार, एक तो इसको समझाते समझाते मेरा इंटेलिजेंट दिमाग खत्म हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि धुआं ऐसे तो नहीं उठता ना आग के बिना। लोग पागल तो नहीं है भाई, बोल रहे तो कुछ तो बात होगी, बात में कुछ तो दम होगा। थोड़ा बहुत वैसा है, लेकिन सस्ती कॉपी नहीं कह सकते। ओ, तो बात ये है, सस्ती नहीं महंगी कॉपी है। अरे कॉपी नहीं है यार, तेरे कहने से मान ले क्या? अरे मेरा मतलब है कि थोड़ा डिटेल में बात करिए यार। वैसे देखा जाए तो फिर ड्यून भी बहुत सारी फिल्म्स की कॉपी है। हाँ, सब कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड तो होती है थोड़ी बहुत, ये बात देखो, ऐसे कसम खा के बैठ जाओगे तो हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है अपने को कि देख के लगता है कि ये तो वो वाली फिल्म में आया है, ये वाली फिल्म में आ गए। आगे बढ़ते अपन। तो भयंकर टॉक्स का नेक्स्ट जो मुद्दा है वो, देखो भाई, सुन के कुछ लोगों को रोना आ सकता है, और अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो भाई मत देखो, इस पार्ट को मत देखो यार। स्किप कर दो, स्किप कर। नहीं नहीं, स्किप नहीं करना है वीडियो को, वीडियो चालू रहने दो, तब तक वॉशरूम वॉशरूम जा। क्या बात क्या है लेकिन? तो फिर सुन, पुणे के एक फार्मर ने टमाटर बेचकर, क्या बेचकर, मुद्दा पकड़ना, टमाटर बेचकर 2.8 करोड़ रुपीस कमा लिए। अभी भी उनका कहना है कि उनके पास 4,000 कैरेट तो पड़े हैं टमाटर के, और उन सबको बेच के वो 3.5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। भाई साहब, अरे कल मैंने वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी, उसमें वो सीन है ना टोटेमिनो वाला। क्या 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 क्या? अरे वो टमाटर फेंकने वाला फेस्टिवल, टोमेटिनो। हाँ वही, टोमेटिनो वाले सीन के अंदर मैं इतना रोया हूँ भाई, मानोगी नहीं आप। इतने टमाटर को बर्बाद होते हुए देख मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था भाई। अरे वो मार्केट में सब्जी वाले आजकल टमाटर को छूने भी नहीं देते, मतलब कहते कि देख के डिसाइड कर लो लेना है कि नहीं लेना है, छुओ मत उसको। जे बात, एक न्यूज आई थी, पंजाब के एक ऑटो ड्राइवर ने एक स्कीम निकाली है, 5 राइड्स करो 1 किलो टमाटर फ्री मिलेगा। अरे मैंने कहीं पर देखा था वो फोटो, टमाटर के खेत में सिक्योरिटी लगाई हुई थी। बस 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 कर, पगले रुलाएगा क्या? तो भाई क्या सीखे आप, वक्त जो है वो सबका आता है, आज टमाटर का है कल आपका आएगा, तो लाइफ में चलते रहने का, टेंशन नहीं लेने का, वीडियो देखने का हमारे। सही है, सही है। सुन आज यहीं तक रखते हैं भाई, बस अब नेक्स्ट एपिसोड, लास्ट एकदम लास्ट, एकदम लास्ट टॉपिक। फोटो मेरे भी शूट से। अरे लास्ट बोला ना भाई, तेरे को कसम दिया याद नहीं है क्या? तो ये एक बोनस क्वेश्चन हर एपिसोड के अंदर मैं पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि तूने आखिर में जो भी फिल्म देखी हो थिएटर के अंदर, तो ऐसी कौन सी मोमेंट आई थी जहां पर पूरे थिएटर की ऑडियंस बहुत जोर से हंसी हो? कैसे हंसी थी ये नहीं पूछा मैंने, कौन से सीन में, कौन से मोमेंट में हंसी थी ये पूछा। लास्ट मैंने देखी थी ओपनहाइमर, उसमें कोई फनी सीन नहीं है, लेकिन एक एड आई जो हर फिल्म से पहले आती है, और वो एड जब आई तो पूरा थिएटर एक साथ, मतलब थिएटर हाउसफुल था, सब लोग एक साथ बोले क्या हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, तो पूरा थिएटर एक साथ में बोल रहा है
थू थू करने में है,